नमस्कार मित्रों, हिंदी पौराणिक कथाएं चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे छोटे से सिर्फ चार शब्दों के महान शक्तिशाली मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको मन ही मन से बोलने से उस काम या कार्य में सफलता मिलती है और साधक जो सोचता है वही हो जाता है। हालांकि हमारे पास कई लंबे चौड़े मंत्र प्रयोग और साधनों की भी जानकारी है, फिर भी हमारी यह लगातार कोशिश रहती है कि हमारे दर्शकों को सरल, आसान लेकिन महाशक्तिशाली उपायों की जानकारी दें, जिन्हें कोई भी साधक अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बिना परेशानी से करके परेशानियों, मुसीबतों, क्लेशों और खतरों से मुक्ति पा सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अब मैं आपको मंत्र प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। इस प्रयोग को किसी भी दिन किया जा सकता है और इस मंत्र के साथ किसी भी प्रकार की खास पूजा विधि या तंत्र जुड़ा हुआ नहीं है। जब आप किसी भी महत्वपूर्ण काम कार्य या अन्य किसी भी महत्वपूर्ण मकसद के लिए जा रहे हो, तब आपको केवल इतना ही करना है कि इस मंत्र को मन ही मन में बोलते रहना है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी भी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो इंटरव्यू के पहले इस मंत्र का मानसिक जाप करें, या अगर आप धन या धंधे संबंधित किसी भी काम के लिए जा रहे हो तो उस काम के तुरंत पहले इस मंत्र को बोले। प्यार, मोहब्बत, शादी के मुलाकातों के पहले भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। मंत्र जाप करने की कोई भी निर्धारित संख्या नहीं है, जितना मुमकिन हो उतना मंत्र जाप कर सकते हो। एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि यह एक सिद्ध मनोकामना पूर्ति मंत्र है, इसीलिए साथ वे और नेक इरादे रखें और बुरे कामों के लिए इस मंत्र का प्रयोग मत कीजिए। इस मंत्र का जाप प्रबल इच्छा शक्ति और पूरे आत्मविश्वास के साथ करें, शत प्रतिशत आपका काम बन जाएगा। अब मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ। यह मंत्र पद्मावती देवी का मंत्र है, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देवी है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम हरि पद्मे नमः। ओम हरि पद्मे नमः। मंत्र फिर से सुनिए, ओम हरि पद्मे नमः।